गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी विल टॉक अबाउट लीवर। आज जो है अपन लीवर की बात करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने सलाइवरी ग्लैंड की बात की थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीवर। लीवर जो है अपनी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, या फिर वी कैन से लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। दिस इज द बिगेस्ट ग्लैंड। दिस इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा इसके लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे पाई जाती है। लीवर इज फाउंड बिनेथ द डायफ्राम एंड दिस इज बेसिकली फाउंड एट द राइट हैंड साइड। राइट साइड के अंदर पाया जाता है डायफ्राम के नीचे। और ये जो है इसका वे जो होता है लगभग बिगेस्ट ग्लैंड बिगेस्ट होती है। इसके अलावा ये डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। इसके अलावा राइट हैंड साइड पाया जाता है। राइट साइड भी पाया जाता है। इसके अलावा जो इसका वे होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 kg। 1.2 से लेके 1.5 kg जो है इसका वे होता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। वी कैन से इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। कितनी लोब से मिलकर बनी हुई है? टू लोब बाइलोब स्ट्रक्चर। दो लोब से मिलकर कंसिस्ट होती है। ये तो मेन लोब्स होती है। इसके अलावा इसके अंदर दो लोब और पाई जाती है और उन लोब का नाम है द लोब्स नेम इज कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। दो मेन लोब्स पाई जाती है। इसके अलावा दो असेसरी लोब्स और पाई जाती है। एंड क्वाड्रेट दो लोब्स तो पाई जा रही है। वन इज द राइट लोब ऑफ लीवर एंड सेकेंड इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। इसके अलावा दो असेसरी लोब्स और पाई जाती है जिनको अपन कॉर्डेट और क्वाड्रेट बोलते हैं। देखिए एक बार फिर से जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, ये जो लीवर है ये डायफ्राम के नीचे पाया जा रहा है। दैट इज स्ट्रक्चर इज डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे पाया जा रहा है। ये राइट हैंड साइड पाया जा रहा है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या पाया जा रहा है? स्टमक पाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड स्टमक पाया जा रहा है, राइट हैंड साइड लीवर पाया जा रहा है। ये दो लोब से मिलकर कंसिस्ट होता है। नंबर वन इज द राइट लोब एंड सेकेंड इज द लेफ्ट लोब। दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस वन इज द राइट लोब। लेफ्ट लोब जो है वो छोटी होती है, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर। दिस इज लार्जर। जो राइट लोब होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। राइट लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है, द डक्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर, दैट डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। उस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ऑलराइट, अब आगे चलकर जो है लीवर की राइट लोब और जो लेफ्ट लोब है उनसे भी एक डक्ट अराइज हो रही है। राइट लोब से जो डक्ट अराइज हो रही है दैट इज नोन एज राइट लोब से जो डक्ट अराइज हो रही है दैट इज राइट हेपेटिक डक्ट। और लेफ्ट लोब से जो डक्ट अराइज हो रही है दैट इज नोन एज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट जो है, दिस इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड दिस वन इज द राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट आपस में मिलकर क्या बना रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट जो है आगे चलकर क्या फॉर्म कर रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। इस ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है आगे चलकर किससे मिल जाती है? सिस्टिक डक्ट से। किससे मिल जाती है? सिस्टिक डक्ट से। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है आगे चलकर क्या फॉर्म करती है? कॉमन बाइल डक्ट। क्या फॉर्म करती है? कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलियोडोकस। दिस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलियोडोकस। दिस इज द अनादर नेम और सिनोनिम ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे चलकर जो है पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है,
पैंक्रियाज की डक्ट के अंदर ओपन होती है, और जो पैंक्रियाज की जो डक्ट है उस डक्ट को अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सम। दैट डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ विर्सम। बट जैसे ही डक्ट ऑफ विर्सम के अंदर कॉमन बाइल डक्ट ऐड होती है द नेम ऑफ दैट डक्ट इज चेंज्ड। उसके बाद में उस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। वी कैन से हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इज कंसिस्ट बाय डक्ट ऑफ विर्सम एंड कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और डक्ट ऑफ विर्सम जो है आपस में मिलकर किसको बना रही है, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ अ स्पिंचर, बाय द हेल्प ऑफ अ स्पिंचर, एंड द नेम ऑफ दैट स्पिंचर इज स्पिंचर ऑफ ओडा और स्पिंचर ऑफ ऑडे। ऐसा स्पिंचर जिसकी हेल्प से हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ओपन हो रही है, दैट स्पिंचर इज नोन एज स्पिंचर ऑफ ओडायर। बहुत बार ये पूछ भी लिया जाता है कि लीवर और पैंक्रियास दोनों कौन से जो है स्पिंचर की हेल्प से ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा पैंक्रियास जो है इससे एक और असेसिव डक्ट निकल रही है जिससे डायरेक्टली भी पैंक्रियास किसके अंदर ओपन हो जाता है, ड्यूडेनम के अंदर, एंड दैट डक्ट इज नोन एज असेसिव डक्ट। उस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, असेसिव डक्ट। अब बात करते हैं अपन गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर जो है ये राइट लोब के अंदर सिचुएटेड होता है। दिस इज सिचुएटेड इन द राइट लोब ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर विच सिक्रेट अ सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज बाइल। बाइल को सिक्रेट करता है, बाइल जो है येलो ग्रीनिश सब्सटेंस होता है, अल्कलाइन जो है ये नेचर के अंदर होता है, और बाइल का फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन द फैट, ये फैट को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है अपन ने लीवर की स्ट्रक्चर देख ली है। लीवर जो है जिन सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है उन सेल को बोलते हैं अपन हिपेटोसाइट्स। उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। अभी हिपेटोसाइट्स जो हैं लूजली अरेंज्ड होती हैं, हिपेटोसाइट्स जो हैं लूजली अरेंज्ड होती हैं। तो इन लूजली अरेंज्ड हिपेटोसाइट्स के अंदर जो है वो गैप पाया जाता है, उन गैप के अंदर एक सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को अपन बोलते हैं कूफर सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, कूफर सेल्स। हिपेटोसाइट्स जो हैं लूजली अरेंज्ड होती हैं, उनके अंदर गैप जो पाया जाता है, उन गैप के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं दीज आर नोन एज कूफर सेल्स। और ये कूफर सेल्स जो है इनको फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब होता है जो भी सेल्स मर जाती हैं या ब्लड सेल्स लीवर के अंदर आती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं ये कूफर सेल्स। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट्स। दीज आर प्रेजेंट इन द गैप इन बिटवीन हिपेटोसाइट्स। लीवर इज कंसिस्ट ऑफ हिपेटोसाइट्स। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड, इट इज फाउंड बिनेथ द और बिलो द डायफ्राम। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, वन इज द राइट लोब एंड सेकेंडरी इज द लेफ्ट लोब। इट्स वे इज 1.2 टू 1.5 केजी। और इसके अलावा इसके अंदर दो असेसरी लोब्स पाई जाती हैं, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। इसके अंदर इसके अलावा जो है अपन ने बात कर ली है कि ये हिपेटोसाइट से मिली कंसिस्ट होता है, दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। और ये है पैंक्रियाज की। इससे जो आगे वाला जो लेक्चर है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, द फंक्शंस ऑफ लीवर, कि लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अंदर तो अपन ने जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लीवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो लोब्स हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब। राइट जो है बड़ी होती है, लेफ्ट छोटी होती है। दोनों के अंदर डक्ट पाई जाती है जिनको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। दोनों आपस में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है डक्ट ऑफ विर्सम के अंदर ओपन होती है और ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। और ये जो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है दिस इज ओपन्स इनटू
इनटू ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्फिंक्टर इज स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डर। एक बात नहीं बताइए, जिस स्फिंक्टर के थ्रू जो है कि पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है उस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या बोलते हैं उसको? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। इस तरीके से लीवर की स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुकी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीवर। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।